हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट इज मेमोरी एंड व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी, तो इसको आई कैन से मेमोरी, इट इज़ अ स्टोरेज वी कैन स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज मीन्स मेमोरी। वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। तो यू कैन से दिस प्राइमरी मेमोरी इज हेयर। नाउ व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ मेन मेमोरी। तो आफ्टर दैट दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाई द सीपीयू, मतलब यह मेमोरी क्या होता है, डायरेक्ट किससे एक्सेस्ड रहता है, सीपीयू के साथ काम करता है। व्हेन एवर नीडेड फॉर द प्रोसेस, नीडेड चाहिए रहता है कुछ भी प्रोसेस के लिए, तो हम यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं, मतलब सीपीयू। सी व्हाट इज सीपीयू, यहाँ पे आपको अब वो दिख रहा होगा सीपीयू, दैट इज अ सीपीयू। तो नाउ आफ्टर दैट दिस मेमोरी इज आल्सो यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस, मतलब प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज पर्पज ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यू कैन से दिस मेमोरी इज आल्सो यूज्ड फॉर रीडिंग मतलब पढ़ना, एंड राइटिंग मतलब लिखना पर्पस। हम क्या करते हैं, प्राइमरी मेमोरी को हम रीडिंग और राइटिंग पर्पस से भी यूज करते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैम एंड रोम। व्हाट इज रैम रोम, तो नाउ लेट्स सी, दैट इज That is ROM. That is ROM. What is ROM? What is ROM? And सबसे पहले what is full form of ROM? Now what is full form of ROM? ROM मतलब read only memory. What is read only memory? That is a read only memory. What is read only memory? In this type memory we can store data and information permanently. मतलब ROM एक ऐसा बोल सकते हैं, ROM एक ऐसा storage होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, data और information को क्या कर सकते हैं, permanently के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, store करके रख सकते हैं। हाँ, यही होगा। इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल, मतलब नॉन वोलाटाइल मतलब यदि बिजली, यहाँ पर लिखा है बिजली कंसिल, यदि क्या होता है, if current is interrupted, then data is non volatile. तो non volatile क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं। If current is interrupted, then data is loss. क्या होता है, डाटा इज लॉस हो जाता है। मतलब इंटरप्टेड मतलब क्या होता है, जब क्या होता है, जब करंट क्या होता है बंद हो जाता है आना, तो क्या होता है, डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। पर इस डाटा इज लॉस मतलब इसमें क्या होता है, रोम क्या होता है, रोम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या कर सकते हैं, इफ मतलब व्हाट इज नॉन वोलेटाइल, तो इट्स मींस इफ करंट इज इंटरप्टेड
देन डाटा इज नॉट लॉस। मतलब क्या होता है, जब कभी हम करंट हम यूज करते रहते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर में हम कोई भी गैलरी या कोई भी ओपन करते रहे, मतलब क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और लाइट जाने के बाद क्या होता है, वह हट जाता है और डाटा डिलीट हो जाता है। पर क्या होता है, रोम में यदि एक बार वो सेव है या रखा हुआ है तो क्या होता है, बिजली जाने के बाद भी वह वहीं पर रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ये हम बोल सकते हैं नॉन वोलेटाइल। मतलब यहाँ भी लिखा है, देख सकते हैं हम, किसी काम को करते समय बिजली चली जाए तो वह रुक जाता है, वह रुक जाता है और लाइट आने के बाद फिर से वहीं से शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज राम? राम क्या होता है? तो राम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी? यू कैन से इन दिस टाइप मेमोरी वी कैन नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। मतलब क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली, मतलब हम क्या इसमें हमेशा के लिए डाटा स्टोर नहीं कर सकते। यह क्या होता है, बिजली आने के बाद यह क्या होता है, डाटा डिलीट हो जाता है। यू कैन से अगेन, यू कैन से इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। मतलब क्या, दैट इज मोस्ट कॉमन मेमोरी होती है, दैट इज यूज क्या करते हैं, कंप्यूटर में यूज करते हैं। इट्स वर्क्स विद द सीपीयू टू होल्ड डाटा इंस्ट्रक्शन। क्या करता है, यह काम करता है सीपीयू के साथ और क्या करता है, होल्ड करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। इफ़ करेंट इज इंटरप्टेड डाटा इज लॉस्ट। यू कैन सी इफ करेंट इज इंटरप्टेड डाटा इज लॉस्ट। क्या होता है, जब करंट क्या होता है, बंद हो जाता है तो क्या होता है, इसका सारा डाटा क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो उसके बाद आता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राम? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राम, डायनेमिक राम एंड स्टैटिक्स रैम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।